गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? यार अभी रवाना हो रहे हैं स्टेशन के लिए और मेरे दोस्त यहाँ पे हमज़ा, इसको जानते होगे आप, इसका नाम भूल गया था मैं, खैर इसको सब हमशी बोलते हैं, इसका निकनेम हमशी है। और ये जनाब मेरे जूनियर हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हबीबुर रहमान नाम है इनका, एडिट करके काट दीजिए। जी गाइस, अभी हम स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। टैक्सी पहले से ऑर्डर की हुई थी हमने ताकि हमें लेट ना हो, मतलब बुक कर दी हुई थी। तो मेरा दोस्त फैजल काश की टिकट प्रिंट करवाएगा, तो हम लोग साथ ही जा रहे हैं गुआंगचू। फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं कि पहले क्या क्या करना होता है, मतलब एक ट्रेवल गाइड समझ लीजिएगा आप, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और बाकी के लिए भी सो देखेगा, मतलब जो भी नया आएगा तो उसे रूट का पता चल जाएगा और रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं सब कुछ मैं बता देता हूँ। जी, जैसे पाकिस्तान में अबर और करीम होती है, यहाँ पे चाइना में दीदी ऐप चलती है, तो उससे हम टैक्सीज वगैरह और मतलब बुक करते हैं, तो चीज़ें मोस्टली काफ़ी सस्ती पड़ती है वो ट्रैवलिंग के हिसाब से, और काफ़ी कंफर्टेबल होती है, लग्जूरियस होती है, बहुत रीजनेबल। वो कह रहा है कि आप लोग पाकिस्तानी हो, मैं कहा हाँ पाकिस्तानी है, तो वो कह रहा है कि वी आर गुड फ्रेंड्स। ये हमारा फैसल काश के लिए बहुत सारे व्लॉग्स में आया है, मेरे मतलब मेरा क्लासमेट है और मेरा बड़ा भाई, बड़े भाई की तरह है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा था। हम स्टेशन पहुंच गए हुए हैं, काफ़ी सर्दी है और सर्दी में मेरा रूममेट भी आया है, मेरा दोस्त भी आया हुआ है, मेरी जान भी जा रहा है। मैं क्या करूँगा। ये बहुत प्यार करता है मुझसे, इतना मेरे पेरेंट्स भी नहीं करते। अब वो कितना पाला है। और ये बंदा भी बहुत प्यार करता है, एडिट को काट जाना इतना ये पेरेंट्स कभी नहीं करता होगा। वी आर लाइक फैमिली। तालियां कस की तालियां, हर सीन बोलता है एडिट में कट जाए, हाँ हर सीन बोलता है ये कट जाएगा कट जाएगा। बंदा बहुत प्यार करता है, इतना पेरेंट्स से भी नहीं करता होगा। गाइस छोटा सा मसला हो गया था, मेरे दोस्त का जो है टिकट नहीं निकल रहा था, खैर अभी वो मसला हल हो गया, अभी 10-20 मिनट बचे हैं ट्रेन में तो अभी हम निकलने लगे हैं, और मुझे बाकी बहुत याद आएगी यार। यार मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आएगी। जाहिर सी बात है, इतना प्यार जो है हम दोनों दोस्तों, पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्ती के चर्चे चलते हैं। और आ कब रहा है भाई? आ जाएंगे फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह। अच्छा यार, पाकिस्तान से एक कोलैबोरेशन वीडियो करना है, ठीक है? लाजमी एक कोलैबोरेशन वीडियो लाजमी। भाई का एक और कोलैबोरेशन वीडियो आ रहा है, वो जरूर देखना। आ नहीं रहा, वो आ चुका है। अच्छा हाँ, वो आ चुका है तो वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है? उज़ैफा खान साहब। भागते आए हैं, किसी भी तरह से ट्रेन में बैठे हैं, अभी हम ट्रेन में हैं और रिव्यू में कराता हूँ आपको ट्रेन का। वैसे ट्रेन दो टाइप्स की होती है, मतलब बुलेट ट्रेन में दो टाइप्स होती है, उसमें एक होती है सीट्स वाली, एक होती है बेड्स वाली, और हमारी ट्रेन है बेड्स वाली, तो अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको।
फिर ग्वांगचू से उतर के फिर वहाँ के स्टेशन और सबवे वगैरह का जो भी मेरा सीन होगा वो फिर दिखाता हूँ। इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक बाहर आप अगर वहाँ पे हवा खानी है तो बाहर आके बैठ सकते हो, बाकी ये यहाँ से बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। ये बेड्स वाले हैं, बेड्स वाली ट्रेन से यहाँ पे मेरी सीट है। जी गाइस, अभी मैं बैठा हूँ अपनी सीट पर, मतलब अपने कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट या फिर बुगी के लो, ट्रेन की बुगी, तो वहाँ बैठा हूँ। तो अभी बुगी में कोई नहीं है तो अच्छे से रिव्यू हो। इस तरह से होती है, ऊपर एक बेड होता है, नीचे बेड, यहाँ पे बेड, यहाँ पे बेड, और जो मतलब हवा खाने के लिए यहाँ पे छोटी सीट्स लगी होती हैं। आप अगर बोर हो रहे हो यहाँ पे तो बाहर जाके बैठ सकते हो खिड़की के सामने। चलो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक बुलेट ट्रेन है, बाहर से मैं बाद में दिखाऊंगा जब ये छोटी छोटी सीट्स लगी होती हैं, ये फोल्डेबल होती हैं। जी फैसल भाई तो सो गया, अब मैं भी मस्त नींद करेगा, फिर ग्वांगचू पहुंच के रिपोर्ट करेगा। तब तक के लिए बाय बाय। यार अभी हम ग्वांगचू पहुंचने वाले हैं, बस 5 मिनट में उतरेंगे, और भूख बहुत ज़्यादा लगी है यार। अभी वहाँ जाके खाना खाना है, शाओपे पे अलमदीना रेस्टोरेंट जाना है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ की चाय बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, बाकियों का पता नहीं।